हाय गईज आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना लो स्पर्म काउंट या लो टेस्टोस्ट्रॉन लेवल को घर पर ही कैसे बढ़ा सकते हैं सिर्फ तीस दिनों में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा सारी जानकारी देंगे कैसे आप अपने स्पर्म टेस्टो और टेस्टोस्ट्रॉन कर घरेलू उपाय द्वारा अपने टेस्टोस्ट्रॉन और स्पर्म को बढ़ा सकते हैं तो उससे पहले आपसे गुजारिश अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेन काज आप लो टेस्टो लो इस्पम लेवल यानी कि आपके शरीर में इस्पम लेवल कब लो होता है आपकी इसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंकिंग एल्कोहल करते हैं तो इससे आपका इस्पम लेवल कम हो सकता है या ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो स्प्रम पर अफेक्ट डाल नहीं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर अफेक्ट कर रही है उससे आपका इस्प्रम लेवल कम हो सकता है कुछ डिजीज कुछ रोग जैसे कि किडनी फेलियर हो गया या फिर आपके बचपन में कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा जो अभी तक ठीक नहीं होता तो उस कारण से भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है क्रोमोसोम और हार्मोन प्रॉब्लम जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म के प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक मदद करता है या टेस्टिकल में आपके स्पर्म लेवल को बढ़ाता है और उसे मेच्योर रखता है तो उस कारण से भी आपका जो है इस पर काउंट कम हो सकता है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं या एल्कोहल ले रहे हैं या बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं या फिर आपको कोई डिजीज़ है कोई गुप्त रोग है या फिर आपके हार्मोनल बैलेंस है या क्रोमोसोम प्रॉब्लम है तो आप इसे गाइनिकोलाजिस्ट या रिप्रोडक्टिवलॉजिस्ट से ज़रूर दिखाएँ क्योंकि लो स्पर्म काउंट आपको इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता की तरफ ले जाता है तो इसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है बात करते हैं मेन काजिज आप लो टेस्टोस्टॉन यानी कि आपके शरीर में टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम कब होता है टेस्टिकुल इंजरी या इन्फेक्शन या आपके टेस्ट में इंजरी लग गई आपको बचपन में बॉल लग गई हो या फिर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो उस कारण से भी आपका टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम हो सकता है कीमोथेरेपी यानी कि आपकी केमिकल से ज़्यादा कोई डिजीज ठीक की जा रही हो रेडिएशन कैंसन ट्रीटमेंट आपको कैंसर हो उसमें रेडिएशन द्वारा ट्रीट किया जा रहा हो पिटिटरी ग्लैंड डिजीज आपकी माइंड में जो ग्लैंड होता है उसमें आपको सैडनेस रहती है या फिर उसमें कोई डिजीज है हार्मोन डिसऑर्डर के कारण आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है मेडिकेशन जैसे कि कार्टिको या फिर स्टेरॉइड जो कि आप लंबे समय से ले रहे हैं जेनेटिक कंडीशन सच है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम अगर आपको क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम वगैरह है या फिर कोई जेनेटिक जिन, डिसऑर्डर है तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है एल्कोहल एंड स्मोकिंग यदि आप एल्कोहल बहुत ज़्यादा रहें और स्मोक कर रहे सिगरेट पी रहे हैं तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है ड्रग यू भी यदि आप किसी ड्रग का गलत उपयोग कर रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है तो आप कोई इनमें से अगर कोई भी काजर आपके शरीर पे दिख रहे हैं तो आप उसे जल्दी से छोड़ दीजिए जिससे कि आपका टेस्ट बढ़ने लगे अब बात करते हैं फंक्शन आप स्पर्म का स्पर्म का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में इसका काम क्या होता है तो इस परम एक तरह का सेल होता है सेल होता है यानी कि कोर्स क्या होती है जो कि सेक्सुअल इंटर कोर्स के दौरान आपके ओवम से जाके मीट करती है जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो उस दौरान आपके शरीर से इस परम निकल कर उसके ओबम से जाकर कर वहाँ पर पेनीट्रेट होकर फर्टिलाइज़ होती है फर्टिलाइज होने के बाद वहाँ एक तरह का जेनेटिक मटेरियल बनाती है ये जेनेटिक मटेरियल बाद में जाकर जाइगोट के रूप में हो, बन जाता है जिससे कि वहाँ पर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और वहाँ जाइगोड नौ महीने बाद बच्चे के रूप में माँ को संतान के रूप में प्राप्ति होती है बात करते हैं फंक्शन ऑफ टेस्ट का बॉडी में फंक्शन क्या होता है तो टेस्टोस्टेरोन एक तरह का सेक्स हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी बॉडी में जैसे कि रेगुलेट सेक्स ड्राइव आपके सेक्स ड्राइव को अच्छा करता है बोद मास को आपके बढ़ाता है कि आपकी हड्डियाँ कमजोर हैं गई हैं तो उनको बढ़ाने में उनका ताकतवर रखने में काम आता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन आपके पेट में अगर फैट बहुत ज़्यादा जम गया है तो आपको शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूट करता है मसल मास के आपको बढ़ाता है यानी कि मांसपेशियों में ताकत लाती है उसे स्ट्रेंथ प्रदान करती है एंड प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म यानी कि रेड ब्लड आर का प्रोडक्शन करता है और आपकी मेन जो स्पर्म काउंट है आपको उसको बढ़ाता है तो टेस्टोस्टर्न का ये मेन काम होता है जो कि आपके बॉडी में होता है यदि आपके बॉडी में लो टेस्टोस्टर्न कम है तो आप पतले रहेंगे दुबले रहेंगे हड्डियाँ कमजोर रहेगी और मांसपेशियों में भी तनाव रहेगा बात करते हैं ट्रीटमेंट आप लो टेस्टोस्टर्न एंड लो स्पर्म लेवल के आपके बॉडी में इसका घर पे आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला है टेक विटामिन आपको बहुत ज़्यादा विटामिन वाले फूड लेने हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल वगैरह सोयाबीन वगैरह या मछली फिश वगैरह इसको खाने हैं टेक फ़ाइबर फूड्स यानी कि आपको फ़ाइबर कंटेनिंग फूड खाने हैं जैसे कि आपको सुबह चना लेना है या अदर फ़ाइबर फ्रूट आपको खाने हैं टेक मोर सिट्रस फ्रूट यानी कि आपको सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरे वगैरह आपको रेगुलर खाने होंगे एक्सरसाइज रेगुलरली यानी कि आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करना होगा आपको रोज़ रनिंग करनी होगी पुशअप्स करने होंगे उठक बैठक करनी होगी वगैरह वगैरह यानी कि आपके जो शरीर की जितनी भी नसें एक बार हिल जाए या फिर उसमें गर्मी आ जाए आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी होगी गेट इनफ विटामिन सी आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा है जैसे कि मिर्चा वगैरह हो गया संतरा वगैरह हो गया नींबू वगैरह हो गया आपको इसका गोल पीना है रिलैक्स एंड मिनिमाइज स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना है और आठ से नौ घंटे आपको नींद लेना है आपको चिंता या स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी अपने ले माइंड में गेट इनअप विटामिन डी आपको विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा लेना है आप सुबह सन लाइट के विटामिन ले सकते हैं या फिर विटामिन डी कंटेनिंग फूड वगैरह भी ले सकते हैं या स्किप टैबलेट भी आते हैं मार्केट में तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं महीने तक उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते गेट इनफ जिंक आपको जिंक लेने हैं जिंक कंटेनिंग फूड खाने हैं टेक टू एक डेली यानी कि आपको दो अंडे डेली खाने हैं एक सुबह खाने हैं एक सुबह शाम खाने हैं है। या कच्चा अंडा भी खा सकते हैं या फिर उसे आमलेट बनाकर भी खा सकते हैं तो इस तरह से आपका बॉडी वेट या फिर टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म काउंट जल्दी से बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं तो अगर आप इन सबको तीस दिनों तक यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी में स्टोस्ट लेवल या स्पर्न में काफ़ी अच्छा फर्क देखने को मिलता है आशा अच्छा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई लाइक और कमेंट कर दे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय